आपने आने वाली स्प्लेंडर प्लस 185cc और प्लाटिना 185cc के बारे में अभी तक आपने बिल्कुल भी सुना नहीं होगा, क्योंकि भाई हमने तो बताया नहीं। और आप लोग तो हमसे कुछ और बाइकों के बारे में पूछते रहते हो, जैसे कि अपाचे 125, विक्टर 125 या फिर यामा की R125, XXR125, XSR155 या फिर MT125 या फिर भैया FZ125, ये सारी बाइकें हो गई, या फिर RS400, RS250 और अब तो नया चर्चा चल चुका है कि NS400 कब आ रही है। तो ऐसे बहुत सारी बाइकों के बारे में आप पूछते रहते हो, लेकिन कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया कि स्प्लेंडर प्लस 150cc में कब आएगी, प्लाटिना 150cc में कब आएगी। जब प्लाटिना में ABS आ गया तो ये 150cc में कब आएगी, कभी आपने पूछा नहीं पूछा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इन सभी अपकमिंग बाइक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप लोग मन में और घर में बैठे बैठे खुश हो जाएं। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो जो आप लोग मुझसे पूछते हो कि भैया जैसे TVS की 125cc कब आएगी, FZ125 कब आएगी, तो भैया मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में जानकारी दे दूं। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने TVS के बारे में बताया हुआ है कि फियरो नाम से रजिस्टर्ड हुई है और वो आ सकती है, लेकिन आप जानते हैं देश की हालत बहुत खराब चल रही है, बीमारी चल रही है और उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत बहुत ज्यादा बुरी चल रही है, इसलिए ऐसे में अभी कोई बाइक नहीं आ रही है। लेकिन हो सकता है कि TVS की कोई 125cc की बाइक जल्द ही, जब ये सारी चीजें खत्म हो, तो वो आ सकती है। इसके बारे में आप लोग इंतजार करें, इसमें आप 90% सही मानकर चल सकते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं कह सकता है कि फेरो आएगी या फिर अपाचे आएगी या फिर विक्टर आएगी, अब वो आने वाले समय में ही बता पाऊंगा मैं। इसके अलावा आप लोग सवाल करते हो कि भैया कि MT125 कब आएगी और R125 कब आएगी, XXR155 के बारे में बहुत सारी चर्चा चल रही है। तो यामा के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, FZ125 के नाम से अभी कोई बाइक आ नहीं रही, सरासर झूठ है, जितनी है सारी चीजें मनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत इमेज बनाकर आप लोगों को दिखाया जाता है। रही बात यामा की और बाइकों के बारे में, तो इंडोनेशिया में R125 नाम से बाइक आती है, उसी का इंजन, जब वो 125cc की लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ बाइक आती है, तो आप ये जानते हैं कि आपने एक गाना सुना होगा कि कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, तो उसी 125cc के इंजन में चेसी और मॉडल बदल के आप चाहे XXR125 ले लें या फिर आप MT125 ले लें, तो MT125, XXR125 ये सारी चीजें आ चुकी हैं, क्योंकि इंजन बेस वही है, सारी चीजें आपको बदल के देनी है तो वहां पर वो कंपनी सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में अभी भी कुछ भी नहीं आया है, ऐसा जब आएगा तो मैं आपको दिल खोल के बताऊंगा। रही बात, आगे सुन लो, अब जैसे कि R15 मेरे पास है, मैंने आपको दिखाया है, तो इसमें 155cc का इंजन लगा है, तो अब वही MT15 बन गई, XXR155 बन गई, क्योंकि इंजन वही है उस पर बदल रहे हैं। अब ऐसे ही सारी चीजें आती है, कोई नई चीज बनाकर एक ही, जैसे 125cc कैटेगरी में आपको दो इंजन देखने को नहीं मिलेंगे, ये तो सिर्फ आपको बजाज में 125cc में दो इंजन देखने को मिले हैं, कि पल्सर 125 नियोन जो है वो अलग है, NS125 में इंजन अलग है, तो ये ऐसा सिर्फ बजाज में आपने देखा होगा, बाकी लगभग सभी में वही लगाकर दिया जाता है, बाकी FZ के बारे में कोई भी न्यूज नहीं है। अब भैया आप लोग पूछते हो जानकारी कि RS400 कब आएगी, 250 कब आएगी, और RS250 की तो नए कलर में नई इमेज सामने बहुत सी दिखाई जा रही है और लोग उसको लेकर थोड़ा सा ये है कि जल्द ही ये आने वाली है, तो ये सभी मनगढ़ंत और इमेज बनाई गई होती है, उस पर लिखा भी होता है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें अभी आई नहीं है, वो क्रिएटर्स बनाते रहते हैं, हो सकता है उस डिजाइन में आए, बाकी कोई चांस नहीं उस डिजाइन में आए, जब आएगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी सब लोगों को अपना जीप को उपार्जन करना है, नई नई इमेज, नई नई फोटो आपके सामने आती रहेंगी, और पल्सर अपाचे सबके बारे में जिससे आप लोग देखते रहे और सोचते रहे कि कब आ रही है कब आ रही है, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली न्यूज नहीं है। जैसे NS125 आई थी तो मैंने पहले आपको बता दिया था, मैंने ये भी कहा था कि यूट्यूब पर सबसे पहली खबर मैं दे रहा हूं, तो वो जब आ जाएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल अभी तो ये सारी चीजें चल रही है। और यहां तक भैया NS400 की भी फोटो आ चुकी है, आप देखेंगे तो वो भी बाइक आ रही है, सब लोग यही बता रहे हैं आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोमिनार 400 के इंजन पे चाहे जितने मॉडल बना दो, कंपनी बनाती रहेगी और आती रहेंगी, और जब आएंगी तो कन्फर्म पता चल जाएगा। अब आप लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे होंगे कि यार स्प्लेंडर प्लस 150cc के बारे में बंदा नहीं बता रहा है, प्लैटिना 150cc के बारे में नहीं बता रहा है, केवल फालतू बकवास किया जा रहा है। तो जब सब लोग पूरे इंटरनेट मीडिया पर फालतू की इमेज बना बनाकर दिखा रहे हैं, कि मैंने सोचा कि मैं भी आपको स्प्लेंडर के नाम से कहूंगा तो आप लोग तुरंत जो है थोड़ा सा देखेंगे हमारी वीडियो को, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा गलती की। मैं इसके लिए हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ऐसी कोई बाइक नहीं आ रही है स्प्लेंडर 150cc में, क्योंकि स्प्लेंडर में अगर 150cc का इंजन लगेगा तो उड़ जाएगी, धरती पर रहेगी नहीं। हो सकता है सुपर स्प्लेंडर को 150cc बना दें, जब अचीवर बना सकते हैं तो स्प्लेंडर को भी बना सकती है कंपनी, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। सिर्फ ये मैं आपके दिल रखने की बात कर रहा हूं, अभी ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है, इस धोखे में बिल्कुल भी ना रहे दोस्तों। इसके अलावा
प्लाटिना 150 सीसी तो आ सकती है भैया, क्योंकि बजाज वाले बहुत प्रयोग करते हैं। जब प्लाटिना में एबीएस आ सकता है तो भैया प्लाटिना 150 सीसी या 250 सीसी बन जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हो सकता है भैया भविष्य में आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल 2021 में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। ये तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बुलाने के लिए मैंने ऐसा किया कि जिससे आप लोग आएं। अगर आपको चोट पहुंची हो, अगर आपको दुख हुआ हो, तो उसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करते हुए हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आने वाली, जैसे कि हाँ यार एक चीज़ मैं भूल गया, आने वाली बाइकों के बारे में आप सिर्फ समझ लो कि यामाहा की 125 सीसी की बाइक कोई भी आ सकती है, इतनी जल्दी नहीं आएगी, हो सकता है लास्ट तक आ जाए। और टीवीएस की कोई भी बाइक जल्द ही आएगी 125 सीसी की, इसके अलावा सब फेंक है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को हमारे बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।